हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कुंदरू यानी कि टिंडोरा का पकौड़ा का रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस मानसून में इस रेसिपी को आप भी बनाइए। आप ध्यान से देखिए ये कितनी अच्छी पका है और इसके अंदर तक ग्रेवी गई है यानी कि पकौड़े की बेटर। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हम फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। कुंदरू यानी कि टिंडोरा का पकौड़ा बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है एक पाव कुंदरू यानी कि 250 ग्राम कुंदरू हमने लिया है, जिसे हमने धो के कपड़े से पोंछ लिया है। बेसन, मैदा, सूजी, अमचूर पाउडर, अजवाइन, हींग, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक और फ्राई के लिए हमने पतंजलि का सरसों तेल लिया है यानी कि मस्टर्ड ऑयल। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पकौड़ा बनाने के लिए हमें एक बड़ा बॉल लेना है और इसमें बेटर बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे बेसन, मैदा, यहाँ पे आप अरारोट भी ले सकते हैं, सूजी, हम डालेंगे एक चम्मच भर के धनिया पाउडर, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो मिर्च आप अपने तीखा के अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, अजवाइन जिसे हमने हथेली पे क्रश करके रख लिया है, अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर से पकौड़े में चार चांद लग जाता है। अब हम डालेंगे यहाँ स्वाद के अनुसार नमक, तो हम दो चम्मच नमक ले रहे हैं। फाइनली हम पेस्ट को टेस्ट करके फिर डालेंगे कम ज्यादा है तो। और हम इसमें डाल लेंगे चुटकी भर हींग, चुटकी भर हींग डालेंगे हम। अब हम इसमें पानी डाल के एक बढ़िया सा घोल बनाएंगे। तो हम एक विक्स की मदद से ऐसे फेंटते हुए और थोड़ा थोड़ा पानी डलाते हुए बेटर बनाएंगे। एक साथ में हम ज्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि अपनी बेटर पतली नहीं बनानी है, गाढ़ी बनानी है। तो ऐसे हम फेंटते हुए बनाएंगे। आप देख सकते हैं अपने पकौड़े के लिए हमने घोल तैयार कर लिया है। ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए पकौड़े की घोल की। तो यहाँ पे हमने उन लोगों के लिए ये घोल बनाया है जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, पर हम यहाँ पे डालेंगे लहसुन प्याज और मिर्च का पेस्ट। तो ये हमने लहसुन प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बना के फ्रिज में रख लिया है, उससे हम डाल रहे हैं दो चम्मच। अगर आप नहीं खाते हैं तो नहीं डालिएगा। ये इंग्रेडिएंट्स हमने इसके लिए सबके साथ में नहीं दिखाया था। अब हम इसे भी अच्छे से घोल लेंगे, इससे पकौड़े की स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब हम पेस्ट को थोड़ा सा ढक के छोड़ देंगे। अपना बेटर फूल रहा है तब तक हम टिंडोरा काट लेते हैं। तो टिंडोरा का पकौड़ा कैसे बनाएंगे वो ध्यान से देखिए। दोनों एजेस को काट लेना है और हमें पहला कट ऐसे लगाना है, पर ये लास्ट में हमें ज्वाइंट रखना है और दूसरा कट फिर हम लगाएंगे। तो ये अपने फ्लावर के जैसे पतले पतले स्लाइस तैयार हो गए। ऐसे ही हम सभी पकौड़े काटेंगे, दोनों साइड से काट के और ऐसे हम कट लगाएंगे। हमने सभी टिंडोरा काट लिया है। अब चलिए हम बेटर में इसे डुबा लेते हैं। तो हम टिंडोरा को बेटर में डाल देंगे। हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे एक एक पैच और फ्राई करते जाएंगे। हमने तेल गरम कर लिया है, आप गैस पे देख लीजिए। तेल अपनी अच्छी खासी गरम होनी चाहिए यानी कि उसमें उबलने जैसा आपको दिख रहा होगा, तेल उबल रहा है ऐसा लग रहा है। अब हम एक एक बेटर में से टिंडोरा लेंगे और धीरे से अपने
तेल में छोड़ देंगे। हमें हाथ नहीं डालना है, ऐसे फोक से या चम्मच से धीरे धीरे तेल में छोड़ देंगे। हमने पकौड़ा को 7 से 8 मिनट तक फ्राई किया है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कड़ाड़ेदार अपनी टिंडोरा का पकौड़ा तैयार हुआ है। अब हम छड़नी पे इसे ऐसे उठाते हुए टेढ़ा कर लेंगे। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा तेल अपनी कड़ाही में निकल आता है। अब हम इसे एक प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया अपनी टिंडोरा का पकौड़ा तैयार हुआ है। सेम प्रोसेस से हम सभी पकौड़े फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिए हमने सभी कुंदरी यानी कि टिंडोरा का पकौड़ा तैयार कर लिया है। चलिए इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने हरे धनिया की चटनी तैयार कर रखी है और इसमें हम अब सर्व करेंगे अपना गर्मा गर्म टिंडोरे का पकौड़ा। तो आप ध्यान से देखिए कितना बढ़िया हमने जो कट लगाया था उसके अंदर तक अपना बेटर गया है और कड़ाड़ेदार तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस बारिश में आप भी अपने घर में नए तरीके का टिंडोरा का पकौड़ा बनाइए। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया टिंडोरा यानी कि कुंदरी का पकौड़ा बनाना कितना आसान है। ये अनोखी रेसिपी है, बच्चे बड़े बड़ी पसंद करते हैं। तो इस मानसून में आप भी इस पकौड़े को बनाइए। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।